तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका दोस्त केके शर्मा। एंड कल मैंने दोस्तों एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि रिजल्ट लेट होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो वो एक्चुअल कारण था या नहीं था ये मैं नहीं कह सकता कि क्या कारण था, क्या कारण है, सॉरी, रिजल्ट ना आने का। लेकिन आज जो मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, उसका सोर्स ये है कि मेरी व्यापम के कुछ लोगों से, मतलब कुछ को मैं जानता हूँ, उनसे मेरी बात हुई है। तो अब उन्होंने मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, सही दी है, गलत दी है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन उनका जो कहना है वो ये है कि रिजल्ट लेट होने का सिर्फ एक ये कारण है, रिजल्ट ऑलरेडी तैयार है, सब कुछ अपलोड भी हो सकता था, अभी तक कब का अपलोड हो गया होता रिजल्ट। बाकी रिजल्ट अभी तक अपलोड नहीं होने का एक ये कारण है क्योंकि हाल ही में जो भर्ती हुई थी 2017 वाली, तो उसमें जो OBC और SC के कैंडिडेट थे जिन्होंने के जनरल की सीट ले ली थी और जनरल के अकॉर्डिंग ही उनको यूनिट अलॉट हो गई थी। जैसे मान लीजिए कि कोई बंदा है OBC कैटेगरी का और वो जनरल कैटेगरी में जंप कर गया और उसके मार्क्स जनरल कैटेगरी के अनुसार उसकी रैंक कम है, तो उसको SC मिल गई थी। तो इसमें क्या, लोगों ने एक कोर्ट केस डाला, तब तो कोर्ट केस में वो जीत गए। तो 2016 वाले जो SF के लड़के हैं जो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो जनरल में जंप कर गए थे, तो उनको अब अलॉटमेंट दी जा रही है डिस्ट्रिक्ट फोर्स की या अदर जो भी उनको, जो भी उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, चॉइस फिलिंग करी है, अब दोबारा उनसे चॉइस फिलिंग मांगी थी। तो यही एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है ये, कि चूँकि रिजल्ट ऑलरेडी बन चुका था और उसी हिसाब से बना था जो पहले रिजल्ट बना था, तो इसलिए उन्होंने इस बार उस गलती को दोबारा से उन्होंने देखा और उस गलती को सुधारने के लिए रिजल्ट को दोबारा से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उस चक्कर में है, लेट हो रहा है रिजल्ट। बाकी रिजल्ट पूरा तैयार है और मेरिट भी ऑलरेडी तैयार है, लेकिन क्या कितनी मेरिट जाएगी, क्या जाएगी, ये कहना भी मुश्किल है क्योंकि ऐसा किसी को भी पता नहीं है। वो सेक्रेटरी के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसकी वेरिफिकेशन होती है, तीन चार वेरिफिकेशन होती है, अभी वेरिफिकेशन होना भी बाकी है। जो बड़ा अधिकारी होता है व्यापम का, वो वेरीफाई करता है, वो साइन सील का जो भी क्या लगाते हैं, वो सब उनकी प्रक्रिया है, वो सब अभी प्रक्रियाएं रह गई हैं। बाकी रिजल्ट आपका पूरा तैयार है, पूरा प्रिपेयर्ड है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि जो जनरल में फाइट कर गए थे, क्योंकि इस बार क्या हुआ था, चॉइस फिलिंग पहले ही ले ली गई थी, तो उस हिसाब से उनको इस बार रिजल्ट के साथ साथ आपको यूनिट भी अलॉट होगी एक साथ, आपको दोबारा चॉइस फिलिंग करने का कोई झंझट नहीं है। तो उस चक्कर में रिजल्ट लेट हो रहा है, बस यही एक कारण है। और मुझे ये कारण जेन्यून भी लग रहा है कि हो सकता है यही कारण हो, बाकी और कोई कारण है नहीं है। और कुछ लोग, मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें कमेंट कर रहे थे कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि भर्ती कैंसिल हो जाए, हमें ये डर लग रहा है। तो भाई बेफिक्र रहो, टेंशन मत लो, भर्ती कैंसिल नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। अब आप चाहे कोर्ट केस कर दो, कुछ भी कर दो, भर्ती कैंसिल नहीं होगी क्योंकि प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, रिजल्ट आगे ही रहेगा। और जो भी मेरे भाई सिलेक्ट होंगे वो सिलेक्ट होकर रहेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, नौकरी करेंगे, सब करेंगे, टेंशन मत लो। बाकी ये सब अपने माइंड में विचार लाया मत करो, फालतू की वीडियो देख देख के यूट्यूब पे। अब उन लोगों को पता तो कुछ रहता नहीं है, फालतू में आपको उकसाते हैं व्यूज़ बढ़ाने के लिए कि भर्ती कैंसिल हो रही है, कि मध्य प्रदेश पुलिस वैकेंसी कैंसिल, ऐसे थंबनेल बना बना के वीडियो डाल देते हैं। तो उन लोगों की बातों में मत आइए, झांसों में मत आइए, किसी के वीडियो मत देखिए उल्टी सीधी, अगर देखना भी है देखिए, लेकिन उनकी बातों में मत आइए। बस मेरा कहना आपसे ये है, बस यही दो बातें थी जो शेयर करनी थी। बाकी इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद तो मैंने आपको बोला ये वीडियो मैं डिटेल में बनाऊंगा, जो भी डॉक्यूमेंटेशन की और मेडिकल की जो वीडियो मुझे बनानी वो मैं आपको शेयर करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।